ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मुंबई यूनिट के सदर जनाब रशीद आदमी साहब से गुजारिश है कि वो मुख्तसर में अपनी बात रखें। यहाँ मौजूद महाराष्ट्र की मौजूद शख्सियात और महाराष्ट्र भर से आए हुए ओबीसी के मूवमेंट के जिम्मेदारान, दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान, आगाज उस जात पाक के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है, और शुक्र है अल्लाह का कि आज हम रिजर्वेशन की तहरीक को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सर जोड़ के बैठे हैं और फिक्र कर रहे हैं इस बात की कि किस तरह से मुसलमानों की माशी, समाजी और तालीमी पसमानदगी दूर हो। मोहतरम हजरात, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मुसलसल इस पर काम कर रही है और इस मूवमेंट पर चाहे हुसैन दलवाई साहब की कमान में हो, चाहे किसी और मूवमेंट में हो, जो भी है, हम सबके साथ इस मूवमेंट के साथ में। अगर सब एक जगह आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे दरमियान हम देखते हैं जहां मसलकी तसादुम है वहीं रियासती और सूबे के एतबार से तसादुम है, लिसानी एतबार से, जबान के एतबार से हमारे बीच में हम जो है इंतशार का शिकार है, तो ये इंतशार पहले हमें खत्म करना होगा, जब जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो कामयाबी नामुमकिन है, किसी भी हालत में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी बात ये, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल आज से उस वक्त की जानिब जाना चाहती जब 1950 में राजेंद्र प्रसाद साहब के दौरे हुकूमत में एक सदारती वो ऑर्डिनेंस लाया गया, एक रिपोर्ट लाई गई और ये ऑर्डर नाफिज किया गया। उस वक्त सबसे पहले जो है सिखों को वहां पर रिजर्वेशन दिया गया 1950 में। फिर उसके बाद 1953 में बुद्धिस्ट जो कौम है इनको शामिल किया गया। तो क्या हम सरकार से ये पूछे क्या बुद्धिस्ट और सरदारों को, सिखों को जो है माशी पसमानदगी के बिना पर दिया गया था, कौम के एतबार से दिया गया था, धर्म के एतबार से? इनको धर्म के एतबार से दिया गया। यदि जब मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात आती है तो हमें कहा जाता है कि धर्म के एतबार से या धर्म के नाम पर आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। मैं हुसैन दलवाई साहब का बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूं कि उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है और हमारी सरकार की भी गलती है। न सेकुलर सरकारों ने हमारे साथ में इंसाफ किया और ये वो सरकार है जहां पर मुसलमानों के साथ में, दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में हर मुहाज पर जो है नाइंसाफी हो रही है, उनको ये सरकार इंसाफ देना नहीं चाहती। तो हम ऐसे में जब सेकुलर सरकारों ने हमारे मुतालबे मंजूर नहीं किए तो ये सरकार हमें कैसे मुसलमानों की हालत ज़हर को सुधारने के लिए हमें रिजर्वेशन देगी? ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि हम, जैसे कि इनामदार साहब ने कहा कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, सरकारें भी जिम्मेदार हैं, और बड़ी अच्छी बात है साहब आपने सब बात दिखाए हमें कि मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी है, क्रांति आ गई है आज़ादी के बाद। मैं आपसे बहुत ही अदब और एहतराम से कहना चाहूँगा सर कि आज़ादी के बाद रेलवे में 30% मुसलमान थे, सरकारी मुलाजिम 30-35 हुआ करते थे, आज 1% पर आ गए हम, तो कहाँ ही वो इनकलाब कहाँ है सर? नहीं सर, ये इनकलाब कहाँ आया? इनकलाब आया है सिर्फ 2% मुसलमानों में। आज भी गुर्बत की सतह से बहुत नीचे है मुसलमान, दूध के लिए तरसता है मुसलमान बच्चा बैठ के, और एडमिशन के लिए केजी और उसके लिए तरसते हैं मुसलमान। सर मैं कहने का हक है, मैं आपकी बात रख रहा हूँ, मुझे आप ऐसा रोक नहीं सकते। मैं इस मूवमेंट को सुबोधराज नहीं करना चाह रहा हूँ, हम आपकी बात रख रहे हैं सर। आपने हौसला बढ़ाया, अच्छी बात है, लेकिन आज भी स्कूलों की कमी है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाते, और हमारे मुस्लिम इदारे जहां पर डोनेशन की मिला एडमिशन होते ही नहीं। मोहतरम हजरात,
मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जो है सबसे पहले तो है जब हम ये मूवमेंट शुरू करते हैं तो आखिर क्या वजह है कि मूवमेंट शुरू होने के बाद चंद कदम चलने के बाद भी वो अपने दम तोड़ देती है। जैसे कि हमारे सालार साहब ने कहा बहुत अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा ये, क्यों दम तोड़ देती है। हमें अपना एहतसाब करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें हमारी मफाद परस्ती, सरकारी मफाद परस्ती परस्ती और कारोबारी मफाद परस्ती भी इसमें शामिल है, हमको उससे बाहर निकलना होगा। हमें जो है इसको मफाद परस्ती को जो है जहन्नम रसीद करना होगा, तब जन्नत की हवाएं आपके इलाके में दाखिल होगी, आप तक पहुंचेगी, नहीं तो ये नामुमकिन है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।